बरसात के साथ में झरने भी चालू है, ऊपर से आसमान से बारिश बरस रहा है और इधर से नदियों का बहाव भी आ रहा काफ़ी तेज़। ये सारा पानी यहाँ पर एक बना संगम स्थल बन रहा है। इस संगम स्थल पर बालदा से आने वाली कुकड़ी नदी और इधर मार्कंडेश्वर जी से आने वाली नदी, त्रिवेणी धाम से कोटरा से आने वाला तालाब बांध से जो पानी आता है उसकी नदी, और भटेश्वर जी के वहाँ से, इन सब नदियों का एक संगम त्रिवेणी संगम यहाँ बनास के यहाँ बन रहा है। काफ़ी तेज़ बनास है, रात से पानी चालू है। सभी लोग बनास नदी का दृश्य को देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ के जो आदिवासी लोकल लोग हैं वो चाह रहे हैं कि अपन लोग मच्छियाँ पकड़ें, तो वो मच्छी पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य है बहुत दिनों के बाद में कभी कभार देखने को मिलता है। तो देख रहे हैं लोग, देख रहे हो आप, ये लोग कुछ लोग मच्छियाँ संभाल रहे हैं, कुछ मगरमच्छ की तलाश में घूम रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर त्रिवेणी धाम के नाम से एक शिव जी का अच्छा मंदिर बन जाए तो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि त्रिवेणी और तीन नदियों का वेणी संगम हो भी रहा है, तो शिव जी का मंदिर बन जाना चाहिए। ये सारा पानी धनारी डैम में जा रहा है, धनारी डैम भी ओवरफ्लो होने जा रहा है, वो भी होने वाला ही है। वो तो सुबह 8 बजे से ओवरफ्लो हो गया है, 24-25 फीट ड्राव क्षमता है, वो सारी ओवरफ्लो हो गई है। उधर भी वो देखो, उधर लोग खड़े हैं और इधर भी लोग खड़े हुए हैं। अभी गाना ऐसे चलेगा कि साजन इस पार है, मिलने को दिल बह करा रहे पर मिल नहीं पा रहा है। देखो आप, काफ़ी बहुत तेज है। अरे भाई क्या ढूंढ रहे हो, मच्छर ढूंढ रहे हो क्या? अरे मच्छर नहीं ढूंढना भाई, मच्छी कोई खाने की चीज़ है क्या? मच्छी कभी खाते हैं क्या? इंसान होते जो मच्छी नहीं खाते भाई? चलो इसको बंद कर देते हैं अभी इसको।